दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोलर एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती दो कंपनियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे टाटा पावर के बारे में, और साथ ही साथ यहां पर आज के दिन में आपको टाटा पावर के साथ में एक पेनी शेयर्स यहां पर रिकमेंड करने वाला हूं, जिसको यदि आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है या फिर आप ऐड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहां पर इसे बाय ऑन डिप करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पर हमें शेयर्स के अंदर अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। और जिस प्रकार की आज के दिन यहां पर रिपोर्ट निकल कर आई है जनवरी टू सेप्टेंबर मंथ की सोलर कैपेसिटी कंजम्पशन के डाटा की, डेफिनेटली ये शेयर्स भी आपको बहुत जल्दी 500 प्लस 1000 के टारगेट प्राइस पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ठीक दो घंटे पहले ये न्यूज़ निकल कर आई है, जिसमें आप देख सकते हैं इंडियन सोलर कैपेसिटी एडिशन जंप्स ओवर थ्री फोल्ड टू 7.4 गीगावाट इन जनवरी टू सितंबर मंथ। क्या ही कंप्लीट न्यूज़ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी एडिशन रोज 335% टू 7.4 गीगावाट इन द जनवरी टू सितंबर पीरियड दिस ईयर फ्रॉम 1.73 गीगावाट अ ईयर एगो। यानी कि जो पावर वन इंडिया एडेड ओवर 7.4 गीगावाट ऑफ सोलर 335% इंक्रीज ऑन ईयर बेसिस। ये डाटा किसकी तरफ से रिलीज किया गया है वो भी आप देख सकते हैं, मेरकॉम इंडिया रिसर्च न्यूली रिलीज्ड क्वार्टर थ्री 2021 इंडिया सोलर मार्केट अपडेट में ये डाटा निकल कर आया है, जिसमें इंडिया की जो ग्रोथ है ग्रीन एनर्जी पर काफ़ी तेजी से यहाँ पर हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अपडेट इंडिया एडेड 2835 मेगावाट ऑफ सोलर इन द थर्ड क्वार्टर, यानी कि जुलाई टू सेप्टेम्बर क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर ईयर 2021, अप 14% कंपेयर टू 2488 मेगावाट इंस्टॉल्ड इन क्वार्टर टू। तो यहां पर काफी शानदार ग्रोथ अब हमारे सोलर एनर्जी सेक्टर में भी इंडिया की अचीव होते हुए हमें देखने को मिल रही है। बात करें कि इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलने वाला है, तो जैसा कि आपको पता है कि टाटा पावर का जो सोलर एनर्जी पर कंपनी काम करती है, ग्रीन एनर्जी पर काम करती है, उसका बेनिफिट यहां पर टाटा पावर के शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। लेकिन टाटा पावर के साथ ही में एक और कंपनी को यहां पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है जो कि सोलर पावर पर काम करती है। अगर आपको नाम याद आ गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, नहीं भी याद आया तो मैं आगे आपको बताने ही वाला हूं। बात कर लेते हैं सबसे पहले टाटा पावर के बारे में। कल भी मैंने आपको एक बड़ी अपडेट्स बताई थी, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को लेकर भी हमारी गवर्नमेंट काफ़ी अग्रेसिव हमें देखने को मिल रही है, जिसमें 4493 जो यहाँ पर सोलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को यहां पर हमारी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने वाली है, तो उसका बेनिफिट भी कहीं ना कहीं टाटा पावर को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। बहुत सारे इन्वेस्टर के क्वेश्चन आ रहे थे कि जो न्यूज़ यहां पर निकल कर आई है उस कारण से आज के दिन हमें तो इसके ट्रेडिंग सेशन में कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। तो मैंने आपको कल भी कहा था कि यदि आपका टाटा पावर के अंदर लॉन्ग टर्म का व्यू है तभी आपको यहाँ पर काफ़ी बड़े टारगेट देखने को मिलने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट डे ही शेयर की प्राइस के अंदर देखने को मिल जाए। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि टाटा पावर कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। 2134% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स ये अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। और अगर इसके वॉल्यूम बेस काम की बात करें तो आज के दिन हमें एनएसई के अंदर टाटा पावर की 2,35,00,000 क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही साथ रिटेल इन्वेस्टर काफी ज्यादा बुलिश हमें इस शेयर्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और ऑर्डर बुक में भी काफी शानदार फ्रेश बाय कंटिन्यूसली आते हुए देखने को मिल रही है। बातें टाटा पावर के अंदर फ्रेश पोजीशंस बनाने के लिए क्या ये सही समय है, तो बिल्कुल हाँ दोस्तों। अगर टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस करें तो यहाँ पर जो टाटा पावर का आरएसआई लेवल है और जो एमएफआई लेवल है वो पूरी तरीके से मिड रेंज में देखने को मिल रहा है, जिस कारण से यदि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर बाय ऑन डिप करते हुए चल सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से भी जो टाटा पावर के टारगेट प्राइस है वो आपको बहुत जल्दी 1,000 रुपये पर भी ट्रेड होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। बस आपको यहाँ पर पेशेंस बनाए रखना होगा और हर गिरावट में आपको यहाँ पर बाय ऑन डिप करते हुए चलते जाना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उस शेयर्स के बारे में जो कि सोलर एनर्जी के ऊपर सबसे ज्यादा वर्क करते हुए हमें देखने को मिलती है, और आज के दिन हमें उस कंपनी के अंदर 5% का अपर सर्किट भी देखने को मिल चुका है। मैं बात कर रहा हूं सुजलॉन एनर्जी के बारे में, जहां पर आज के दिन आपको 5% का अपर सर्किट भी इस शेयर्स के अंदर देखने को मिल चुका है।
₹7.50 का शेयर्स जो कि पिछले एक महीने में 7% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। वहीं पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में इस शेयर्स ने 100% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। किसी टाइम पर ये शेयर्स आपको ₹400 से भी ज्यादा के लेवल पर देखने को मिलता था, जिसके कारण यहां पर अब ये शेयर्स आपको ₹7 पर देखने को मिल रहा है। कंपनी का पास्ट कैसा भी रहा है, लेकिन कंपनी प्रेजेंट में और फ्यूचर में किस प्रकार से परफॉर्मेंस दे रही है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जो यहाँ पर सुजलोन एनर्जी के नंबर समय देखने को मिल रहे हैं, कह सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर इस शेयर्स को भी अपने पोर्टफोलियो में एड करते हुए चल सकते हैं। आज के दिन NSE के अंदर सुजलोन एनर्जी की 10.27 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड होते हुए हमें देखने को मिल रही है और 4.97 करोड़ क्वांटिटी डिलरेबल बेस पर उठाई गई है, यानी कि 50% डिलरेबल बेस काम आज के दिन भी हमें सुजलोन एनर्जी के अंदर देखने को मिल रहा है। कुछ बल्क डील्स आज के दिन हमें सुजलोन एनर्जी के अंदर भी देखने को मिल चुकी है और साथ ही साथ अगर हम इसकी ऑर्डर बुक को भी चेक करें तो काफी शानदार फ्रेश बाइंग सुजलोन एनर्जी के अंदर भी कंटिन्यूअसली आते हुए हमें देखने को मिल रही है। बात करें सुजलोन एनर्जी के फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में, तो जिस प्रकार के फाइनेंशियल नंबर्स हमें Q2 के अंदर देखने को मिले हैं, जहां पर कंपनी का रेवेन्यू लगभग 85% से यहां पर इंक्रीज हुआ है, नेट इनकम के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है, लेकिन जिस प्रकार के सोलर एनर्जी कंजम्पशंस के यहां पर डाटा रिलीज हुआ है, आने वाले लॉन्ग टर्म में ये शेयर्स भी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। 6,676 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी जो कि यहां पर अभी आपको सिर्फ एक पैनी कैटेगरी में देखने को मिल रही है, लेकिन जिस प्रकार की कंपनी की परफॉर्मेंस हमें यहां पर देखने को मिल रही है, आने वाले टाइम में ये शेयर्स आपको 50+ 100+ भी ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको यहां पर बल्क इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आपका पोर्टफोलियो ₹50,000 का है तो आप ₹2,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो ₹10,000 का है तो आप ₹500 का इन्वेस्टमेंट करके भी सुजलोन को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। बात करें सुजलोन के R3 लेवल के बारे में, तो सबसे पहला इसका जो R1 लेवल है ₹7.32 का, R2 लेवल ₹7.48 का, जो कि आज के दिन ही हमें अचीव होते हुए देखने को मिल चुका है, और इसका R3 लेवल है ₹7.62 का। R3 लेवल पर अब आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, कल के दिन आपको यह अचीव होते हुए देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ सुजलोन एनर्जी के वॉल्यूम बेस काम के अंदर भी एक बड़ा ब्रेकआउट आज के दिन हमें देखने को मिल चुका है। पिछले एक महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बेस काम आज के दिन हमें सुजलोन एनर्जी के अंदर देखने को मिल रहा है। बात करें कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के बारे में, तो कम्युनिटी सेंटीमेंट्स भी सुजलोन एनर्जी को लेकर यहाँ पर 96% फेवर में आते हुए देखने को मिल रही है। तो इस शेयर्स के अंदर भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर भी आप अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं, लेकिन ये एक पैनी शेयर से यहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि हमने ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज पर्पस के लिए बनाई है। चलिए दोस्तों, उम्मीद आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।